जी स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे रिमाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट, रिमाइंडिंग द कस्टमर्स वेयर टू बाय द प्रोडक्ट। फिर ये भी रिमाइंड करवाना कि हमारी प्रोडक्ट किस तरीके से और कहाँ से परचेज की जा सकती है। फिर कीपिंग अ ब्रांड कस्टमर्स माइंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और जब सीजन ऑफ हो जाता है तब भी आप अपना, सीजन जब ऑफ हो जाता है तब भी आप अपनी जो ब्रांड है वो अपने कस्टमर्स तक आप जो है वो उन लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहे, ताकि ऑफ सीजन में भी आपको मालूम हो कि ये मौजूद है, और जैसे ही ऑन सीजन होगा तो आप उसकी प्रोडक्ट खरीद लें, या इवन ऑफ सीजन भी अगर आप खरीदना चाहें तो आप ये प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर हम आगे चलते हैं स्ट्रेटजी एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या चीज़ होती है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी बाई विच कंपनी कंप्लिशेज इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ। नंबर वन, क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने मैसेज क्रिएट करना है। एंड नंबर टू, सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि कौन सा मीडिया इस्तेमाल करके हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग अपना मैसेज डिसाइड करते हैं। जो मैसेज हम लोग पढ़ना होता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग नीड्स टू ब्रेक थ्रू क्लटर। तीन चीजें जो है हम लोगों ने, दो चीजें हम लोग देखेंगे। नंबर वन, गेन अटेंशन। जो हमारा मैसेज होना चाहिए उस मैसेज से हम लोग जो है वो अटेंशन गेन कर सके, लोग देखें, और देखते ही लोग जो है वो अटेंटिव हो और उनको उनको पता चल सके कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है। फिर कम्युनिकेट वेल, फिर आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। अगर आप इस पिक्चर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इन पिक्चर्स की तरफ देख रहे होते हैं, इन पिक्चर्स में भी एक मुख्तलिफ किस्म के ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये मैसेज दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी देखो तो मैसेज दिए जा रहे हैं, और अगर मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा, नहीं बड़ा नहीं हो रहा जी, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये भी एक छोटा सा मैसेज दिया गया है। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों की नज़र जा रही है कि मेक्स एवरीथिंग एल्स सीम अ लिटिल टू बिग, छोटी सी कार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, और इसके तकरीबन बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस चूँकि आप गाड़ी पे दे रहे हो, तो आपने एक मैसेज उनको दिया है कि दिस इज़ आर मैसेज, कि जिसके ज़रिए लोग जो है वो अट्रैक्ट होकर हमारी प्रोडक्ट जो है वो खरीदें। ठीक हो गया जी, जब हम लोग मैसेज देख रहे होते हैं तो फिर हमारे मैसेज देखते हुए हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है? जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो जो मैसेज होगा वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है हम लोगों ने, बहुत इमेजिनेटिव होना चाहिए। इमेजिनेटिव से मुराद ये कि मैसेज सुने और लोगों की इमेजिनेशन के अंदर हमारी प्रोडक्ट आ जाए। एंटरटेनिंग होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं, उसके अंदर मवाद होना चाहिए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, उसके बाद मोर रिवॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को रिवॉर्डिंग महसूस हो रहा हो। फिर ये एक कंपनी है मेडिसिन एंड वाइन, ये मेडिसिन एंड वाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ मेडिसिन एवेन्यू एंड हॉलीवुड रिप्रेजेंट्स द मर्जिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एडवर्टीजमेंट के साथ एंटरटेनमेंट जो है उसको मर्ज कर दिया था। इसका मतलब है कि आपका जो मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले मैसेज की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि हम लोग एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या मैसेज देंगे, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया तो दूसरे नंबर पर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, और खासतौर पर हम लोगों ने देखना है ये कि जो हम लोग मैसेज दे रहे होगा वो पुराना ख्याल ना हो बल्कि लेटेस्ट आइडियाज़ हो, और क्रिएटिव इमेजिनेटिव हमारे पास होना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो मैसेज हम लोग लेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बनाएंगे, लिखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग मैसेज स्ट्रेटजी के, दोबारा से देखेंगे। इज द जनरल मैसेज दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू कंज्यूमर आइडेंटिफाइज कंज्यूमर बेनिफिट। अब जो हम लोग मैसेज देंगे उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ लिखनी है कि हम अपने कंज्यूमर जो है उसको हम लोग फायदा दे रहे हैं। फिर आगे चलेंगे मैसेज के अंदर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, जो कॉन्सेप्ट हमारा क्रिएटिव है उस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के अंदर चार चीज़ें जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए जो कि अपील करें। नंबर वन, वो जो मैसेज होगा जो आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इश्तिहार के अंदर जो आपके अल्फाज होंगे वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने चाहिए, और ऐसी बातें आप करें जो बिलीवेबल हो, ऐसी बातें आप ना करें जो कि जिसके ऊपर यकीन ना आ सके। ठीक है,
बेशक एंटरटेनिंग हो, लेकिन इतने एंटरटेनिंग ना हो कि आप झूठ बोले और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपको लगे कि ये प्रोडक्ट तो कभी अचीव कर ही नहीं सकती। और सिर्फ पे डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो जो मैसेज है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। वो मैसेज जो कोई और कंपनी दे रही है या कंपेटिटर दे रहे हैं, आपने वो मैसेज नहीं देना। नंबर टू, मैसेज क्रिएट करने के लिए ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी है, खासतौर पे जो चीज़ें हम लोगों ने गौर करनी होती है वो ये है कि हम लोगों ने मार्केट में लोगों की अटेंशन क्रिएट करनी होती है, लोगों पर इंटरेस्ट पैदा करना होता है। और उसके लिए हमारा सबसे बेहतरीन जो अप्रोच होगी उसमें ये होगा कि हम लोगों की अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्टाइल जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, हमारी जो टोन है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, एग्रेसिव टोन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे जो अल्फाज होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो लोग कस्टमर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं तो हमारे अल्फाज बहुत कर्टेसी के साथ यूज़ होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग मैसेज, उसके बाद फॉर्मेट होगा कि किस तरीके से हमारा मैसेज जो है वो एग्जीक्यूट होगा, लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैसेज के अंदर स्लाइस ऑफ लाइफ, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हम लोग अपने अपने मैसेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल देखेंगे कि कौन सा लाइफ स्टाइल जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगेन मैं बताता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रोडक्ट्स कम प्राइस की होती हैं और गरीब लोगों के लिए होती है, सेगमेंटेशन उन्होंने गरीब लोगों की होती है, तो जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके अंदर भी वही लोग आए होते हैं जो गरीब होते हैं। ठीक है, जो सस्ती सी प्रोडक्ट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो वेल ऑफ सोसाइटी के मेम्बर्स होते हैं, जो बहुत अमीर अफ्लुएंट लोग होते हैं, वो छोटी प्रोडक्ट्स, सस्ती प्रोडक्ट्स के एड्स के अंदर वो भी नहीं होते, वो भी हम लोगों ने गरीब दुकानदार जो है वो बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सस्ता साबुन हो गया, मिसाल के तौर पे सस्ता सर्फ हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया। ये जो कपड़े धोने का साबुन जो 20 रुपये का 22 रुपये का मिलता है, इसमें कभी भी हम नहीं देखते कि बहुत अमीर खातून नजर आ रही हो, एक गरीब सी खातून एक गरीब सी दुकान पे, किराने की दुकान पे खरीदारी कर रही होती है एडवर्टीजमेंट के अंदर भी। तो ये एक लाइफ स्टाइल दिखा रहे होते हैं कि ये लाइफ स्टाइल है हमारी प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी, उसके बाद फैंटेसी, फैंटेसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट का इमेज अच्छा करने की कोशिश की जा रही होती है। फिर साथ में थोड़ी बहुत म्यूजिक भी ऐड होती है। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ आजकल हम लोग देख रहे होते हैं कि म्यूजिक भी आती है। फिर पर्सनैलिटी सिंबल, फिर प्रोडक्ट जो है उसका भी सिंबल होता है। पर्सनैलिटी सिंबल से मुराद ये कि जैसे मैंने आपको लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, तो उसके लिए हमारी पर्सनैलिटी का भी एक सिंबल बन जाता होता है मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं। फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अगर कोई है तो वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी होती है, उस पर इस्तेमाल करनी होती है। फिर साइंटिफिक एविडेंस, फिर अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, अगर कोई जो कंपनी प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकल की ऐसी हमारी कोई प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसके कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस जो है वो भी पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे दांत दांत ब्रश करने वाली जो प्रोडक्ट होती है उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो साइंस पेश कर रहे होते हैं कि दांत को ऐसे तरीके से साफ करें और ये वाला इंग्रेडिएंट है जिससे दांत साफ रहते हैं और दांतों के दर्द खत्म हो जाती है। 5 मिनट के अंदर जो है वो हमारी दांत की दर्द खत्म हो जाती है, 1 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाता है, 2 मरतबा इस्तेमाल करने से दांत जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर टेस्टिमोनियल और इंडोर्समेंट, टेस्टिमोनियल से मुराद ये कि मुख्तलिफ लोगों के ऊपर फिर हम लोग टेस्ट भी करवाते होते हैं और वो टेस्ट भी हम लोग अपने लोगों से पूछवाते हैं। और इंडोर्समेंट से मुराद ये कि वो लोग जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की होती है उनसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं, रिव्यू लेते हैं और वो इंडोर्स करते हैं कि हाँ मैंने ये इस्तेमाल किया प्रोडक्ट और मैंने इस प्रोडक्ट को ऐसा पाया, आप लोग भी इस्तेमाल करें। जैसे अगर कोई बंदा गंजा हो गया और किसी जगह से अगर उसने बाल लगवा लिए सर पे, तो वो बंदा जो है वो रिव्यू कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है कि मैंने खुद यहाँ से इस जगह से बाल लगवाए हैं और मेरे बाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अब तो आप लोग भी ये काम करें। ठीक है जी, उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैसेज के अंदर और क्या चीज़ आएगी, जैसे टोन हो गया, फॉर्मेट हो गया, कि हम लोगों ने जैसे चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। कंज्यूमर जनरेटेड मैसेज, फिर क्या होता है कंज्यूमर जनरेटेड मैसेजेस, फिर कंज्यूमर जनरेटेड मैसेजेस जो है वो हम लोगों में देने होते हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज जो होंगी वो यूट्यूब पे हम लोग देंगे ताकि लोग जो है उनको हमारी प्रोडक्ट के बारे में मैसेज मिल सके। ब्रांड वेबसाइट कॉन्टेस्ट, फिर क्या होगा वेबसाइट के कॉन्टेस्ट देखे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा पॉजिटिव्स, ब्रांड वेबसाइट कॉन्टेस्ट, कि हम लोग कंज्यूमर्स को ऐड करेंगे, यूट्यूब की वीडियोस बनाएंगे और उनसे पूछेंगे हमारी प्रोडक्ट के बारे में। फिर कंज्यूमर से हम लोग क्या करेंगे कॉन्टेस्ट करवाएंगे, मुकाबला करवाएंगे। पॉजिटिव्स हमें क्या मिलती है, इन तमाम के तमाम चीज़ों का फायदा ये होता है कि इससे हमारा खर्चा भी कम होता है, कंज्यूमर वेबसाइट बना रहे हमारी उससे हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी,
उसके बाद नए नए क्रिएटिव आइडियाज हमें मिल जाएंगे, उसके बाद फ्रेश रिस्पेक्टिव ऑन फ्रेश परस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, ब्रांड के बारे में हमें एक नया परस्पेक्टिव जो कंज्यूमर का परस्पेक्टिव है वो मिल जाएगा, और बूस्ट कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर कंज्यूमर इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने डिसस किया था कि लेस